कल गुरुवार की दोपहर फरियादी श्याम गुप्ता निवासी शंकर कॉलोनी ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि केपी सिंह के वेयर हाउस गोदाम में अज्ञात चोरों द्वारा गोदाम का ताला तोड़कर करीबन 100 खाद के कट्टे डीएपी एवं एनपी के खाद के कट्टे चोरी कर लिए गए, जिस पर देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। पुलिस ने आज मुखबिर की सूचना पर से आमडंड के जंगल से एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें चोरी किए गए खाद के कट्टे कुल कीमती 8 लाख रुपए बरामद कर लिए तथा आरोपी अनिल रावत पुत्र जगदीश रावत उम्र 23 साल निवासी भौराना थाना सिरसौत शिवपुरी निवासी हाल शंकर कॉलोनी शिवपुरी और धर्मेंद्र रावत पुत्र निरपत रावत उम्र 24 साल निवासी नेतवास थाना कोलारा शिवपुरी एवं नरेंद्र गुर्जर पुत्र श्याम सिंह गुर्जर उम्र 22 साल निवासी ग्राम मझूरा थाना देहात को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में देहात थाना पुलिस जुटी हुई है। सर, जो मामला भी चोरी का मामला ट्रैक्टर पकड़ा गया, क्या मामला था? ये श्याम गुप्ता जी हैं, शंकर कॉलोनी में रहते हैं। उनके द्वारा बताया गया था कि ये आईपीएल इंडियन पोटैश लिमिटेड के ये मैनेजर हैं, इनके पास ईएनडीएफ है उसका, तो इनका करीबन 20,000 कट्टे खाद के जो इन्होंने हवाई पट्टी पर गोडाउन है वहाँ पर उन्होंने वो गोडाउन किराए से ले रखा है कंपनी ने, तो उसमें वो कट्टे रखे हुए थे। तो रात के समय में कुछ लोगों द्वारा उसमें से करीबन 100 कट्टे शटर का ताला तोड़ के चोरी किए गए थे। तो मुखबिर की सूचना पर से हमने वो ट्रैक्टर जिस वाहन से ले गए थे वो लोग ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर ट्रॉली में वो लोग खाद के कट्टों को लेके गए थे, तो उनको चिन्हित करके उनको अरेस्ट किया है। उनमें भी सर कोई अपराध है? उनके अपराध रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। तीन आरोपी को गिरफ्तार किया गया, अभी 2 आरोपी और हैं इसमें, उनको भी जल्द से जल्द राउंड अप कर लेंगे। मालूम पड़ा ये कहाँ की? ये एक आरोपी लोकल का ही है, मझेरा का है, और 2 लोग हैं जो कि एक धर्मेंद्र रावत है वो नेतवास का है, और एक है आपका सिरसौत थाने का।